गाजा में हमास का सफाया करने की राह में लेबनान का हिजबुल्ला आईडीएफ के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। वो इजरायली फोर्स का ध्यान गाजा से हटाने के लिए लगातार उत्तरी इसराइल को अपने हमलों से दहला रहा है, लेकिन इसके बावजूद आईडीएफ ने दोनों फ्रंट पर मोर्चा संभाला हुआ है और इजरायली सेना भी हिजबुल्ला पर जवाबी हमले कर रही है। लेकिन अब हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इजरायली सेटलमेंट्स और सैन्य अड्डों पर रॉकेटों के कई जत्थे फायर किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अल जलील पनहंदेल में किरियत शमोना पर सैकड़ों ग्रेट टाइप रॉकेट फायर किए हैं और इस हमले की वजह से 16 जुलाई 2024 की शाम करीब 6:55 पर इस इलाके में हवाई हमलों के सायरन बज उठे। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला की तरफ से करीब 100 रॉकेट किरियत शमोना पर फायर किए गए और इन हमलों की वजह से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने अपना दूसरा हमला पूर्वी किरियत शमोना में आईडीएफ की बेत हल्लेल बैरिक्स पर किया है। यहां पर भी हिजबुल्ला ने ग्रेट टाइप रॉकेट फायर किए हैं जिसकी वजह से बेत हल्लेल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इसके अलावा उमलटाउट में इसराइल ने हमला किया था जिसमें 3 सीरियाई बच्चों की जान चली गई है। इस हमले के जवाब में इजरायली सेटलमेंट्स पर हिजबुल्ला ने 2 हमले किए और इसके बाद हिजबुल्ला ने पश्चिमी अल जलील के कापरी सेटलमेंट्स पर ग्रेट टाइप रॉकेट का एक पूरा साल्वो दाग दिया। और हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने इसराइल के कफार होसैन और हागनूज बारियोचाय और मैरोन सेटलमेंट पर एक साथ रॉकेट्स फायर किए हैं, क्योंकि इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के कफार किला आयता अल शहाब एतरोन और उमलटाउट पर कई हवाई हमले किए थे। वहीं हिजबुल्ला के हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि मैरोन में कई रॉकेट्स गिरने से आग लग गई क्योंकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला की तरफ से कम 80 रॉकेट 16 जुलाई को फायर किए गए थे।